हाय फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पठानकोट पहुंच चुकी हूं इस वक्त, और इस वक्त मैं अपने घर पर हूं। और अभी जो है मैं एक मंदिर घूमने जा रही हूं, वो है यहां का बहुत फेमस मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, आशापूर्णी मंदिर। तो मैं वहां पर जा रही हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सूट पहना हुआ है। और यहाँ पर तो वैसे लोग जीन्स वीन्स पहन के जा सकते हैं, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, लेकिन आई थॉट कि सूट प्रेफर करना चाहिए। तो मैं अभी जा रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी, और उसके बाद मेरे को एक स्किन के डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पर बहुत मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, तो उसके पास जाऊँगी। और उसके लिए आप देखिए मैं दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ, तो लेकर चलती हूँ अभी आपको मंदिर की सैर करवाने। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी चहल पहल है, सभी लोग बाहर ही निकले हुए हैं ऐसा लग रहा है, और सारी शॉप्स खुली हुई हैं, बिजनेस बिल्कुल अपने तरीके से चल रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली जो है यहाँ पर जो ज़्यादा शॉप्स आपको दिखेंगी वो है स्क्रैप डीलिंग की और आर्मी से रिलेटेड चीज़ों की। सो अगर आपको आर्मी से रिलेटेड आर्मी ड्रेसेस या आर्मी टाइप का मिलिट्री तरह के बैग्स या कैप्स इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, तो आप पठानकोट से उसकी शॉपिंग कर सकते हैं, एंड आपको रीज़नेबल रेट्स पर आपको वो मिल जाते हैं यहाँ पर। सो अब हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे गांधी चौक, और आप देख सकते हैं, ओ गॉड, सारी की सारी शॉप्स ही ऑलमोस्ट खुली हुई हैं। बट पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, और उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे लेने का, लेकिन हो सकता है हम लेट हो जाएं, तो आज तो शॉपिंग नहीं करेंगे, तो कल मैं शॉपिंग के बारे में सोचूंगी यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है गांधी चौक, और देखिए गांधी जी की मूर्ति, और बेसिकली यहाँ पर सब्ज़ी मंडी लगती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि गांधी जी और साइड वाइड में सब सब्ज़ी वब्जी चल रही है, तो वो दैट आई डोंट लाइक। सो हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर बंगाली के क्लिनिक पर, और यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद अब हम पहुँच रहे हैं मंदिर। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है हनुमान जी की, बहुत ही प्यारी मूर्ति। तो अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। मैंने सुना है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और आशापूर्णी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी आप आशा लेकर आते हैं, जो भी आपकी इच्छा रहती है, अगर आप वो इच्छा लेकर आते हैं, माता रानी से मांगते हैं, तो वो पक्का पूर्ण होती है, ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर। तो काफ़ी फेमस मंदिर है पठानकोट का, मार्केट के अंदर ही बना हुआ है, छोटा मंदिर है लेकिन बहुत ही इसकी मान्यता है। तो आप देख सकते हैं राम दरबार, और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं माता रानी की, 9 देवियां हैं, उनके मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन सब परिक्रमा के मार्ग में इन्होंने बना रखी हैं। तो एक पेड़ भी है यहाँ पर, काफ़ी पुराना पेड़, जय भोलेनाथ। तो जो बहुत पुराना पेड़ है वो, उसके पास लोग दिया वगैरह जलाते हैं। और अब हम करेंगे दर्शन मेन, और पंडित जी हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इस मंदिर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए दर्शन करते हैं, देखिए कितने अद्भुत दर्शन हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिंडिया माता की। अच्छा जी, आशापूर्णी माता, ये महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी। अच्छा जी, पिंडिया माता की। ये पठानकोट में वो किसी जगह नहीं है। अच्छा जी, किसी शहर में पठानकोट में ही है, और कहीं पिंडिया नहीं है, बाहर रखी हुई मूर्तियाँ जैसे हम रखी हुई है। बिल्कुल, ये तो ब्राजमहल है माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वैष्णो देवी है ना। हाँ जी, वैसे ही पिंडिया माता की बनाई किसी ने। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं घर पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है नारियल पुष्प, और साथ में है माता रानी का खजाना और चुनरी। तो ये मुझे पंडित जी ने दी है, मेरे लिए सरप्राइज था ये, और कभी दिल्ली के मंदिरों में तो मुझे ऐसा नहीं मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और बहुत ही मज़ा आया मंदिर में दर्शन करने का।
उम्मीद है आपको भी आशा पूर्णि माता के दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई मन की इच्छा रही होगी, आपने भी मांगी होगी, तो अब हम मिलेंगे कल, जिसमें कि मैं आपको हो सकता है काली माता के मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी।